क्या हो, बर्फ गिर रही है, हटो। अनारा पत्थर आ रहा। मौत से मुकाबला करना है, ये तो हमारे बाएं हाथ का खेल। पकड़ यार। हड्डियां टूटने का दर्द ये तो कोई भी सह सकता है। सर पर सैकड़ों टन की चट्टान गिर भी गई तो धूल झाड़ कर खड़े हो जाएंगे, बर्फ के दलदल में धस गए तो 2 मिनट में तैर कर पार हो जाएंगे, और हमारे लिए सैकड़ों फीट गहरी खाई में कूदना तो 2 सीढ़ी से छलांग लगाने जैसा है। आपको ये बातें पागलपन लग रही होंगी ना, आपको लग रहा होगा कि हम डींगे हांक रहे हैं। जी हाँ, आप एकदम सही सोच रहे हैं। चोट का दर्द, मौत की दहशत, सब लोगों की तरह हम भी महसूस करते हैं। तो अब सवाल यह है कि अगर हर कदम पर मौत थी तो हम पीछे क्यों नहीं लौटे? जिन रास्तों पर पहाड़ से बड़ी बड़ी चट्टानें गिर रही थी, हम उल्टे उसी दिशा में क्यों जा रहे थे? जब सबने कहा कि बर्फ में दब जाओगे, मारे जाओगे, मत जाओ, तब भी हमने उसी बर्फ को रास्ता क्यों बनाया? तो जवाब है ये दावे। जैसे तुम अमरनाथ ने, वो सब हमारे टेमर सेने कि यहाँ पे भोलेनाथ अपने सपरिवार के सहित है, सबसे बड़ा शिवलिंग है वहाँ। एक नहीं, दो नहीं, जिस भी शख्स से हमने पूछा वो हर सिर श्रद्धा से झुक गया, और हर दावे में एक ही बात, जी हाँ, वहां है उस पहाड़ की एक गुप्त गुफा में बाबा बर्फानी विराजमान है। हमने कहा कश्मीर में, उन्होंने कहा नहीं, उत्तराखंड में। उत्तराखंड में एक और अमरनाथ है। हमने कहा नामुमकिन है, उन्होंने कहा वहां जाओ और खुद अपनी आंखों से देख लो। अब हमें कौन रोक सकता था? तो चलिए देखते हैं कि उस गुफा में क्या है, सिर्फ बर्फ या देवों के देव महादेव? आधी हकीकत आधा फसाना। अगर मैं आपसे पूछूं कि बाबा बर्फानी की अमरनाथ गुफा कहां है तो आप कहेंगे कश्मीर में, लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि बाबा बर्फानी कश्मीर के अलावा उत्तराखंड की एक गुफा में भी दर्शन देते हैं तो आप मानेंगे? नहीं ना। दरअसल भारत तिब्बत सीमा पर रहने वाले कुछ लोगों ने हमें यह बताया था कि उनके गांव के ऊपर एक ऊंचे पहाड़ में एक गुप्त गुफा है, और उस गुफा में शिव बर्फानी रूप में प्रकट होते, बिल्कुल वैसे ही जैसे अमरनाथ में दर्शन देते। इतना ही नहीं, वहां आपको शिव का पूरा परिवार यानी पार्वती, गणेश और कार्तिकेय का बर्फानी रूप भी दिखाई देगा। हमने पूछा कि अगर ऐसा है तो किसी पुराण में, किसी और प्राचीन ग्रंथ में उस जगह का जिक्र क्यों नहीं है? तो लोगों ने कहा वो तो हमें नहीं पता, हम बस इतना जानते हैं कि जो गुफा तक पहुंच गया, समझो वो तर गया, समझो उसने अमरनाथ के दर्शन कर लिए। लेकिन वहां तक पहुंच पाना बेहद खतरनाक है, गहरी खाइयां, ऊंचे पहाड़, लैंडस्लाइड, ग्लेशियर का बहना, बादल फटना, बर्फीली दलदल, खतरे तो इतने थे कि ना गिने जा सकते हैं ना उनसे बचा जा सकता था। और दावा कितना बड़ा है तो आपने सुन ही लिया है। तो चलिए तलाशते हैं अमर कथा सुनाने वाले एक और अमरनाथ।
आसमान चूमते ऊंचे पहाड़, गहरी घाटियां, बर्फ की सफेद चादर, उसमें घुलता सूरज का सुरमई रंग और कानों में गूंजते लोकगीत के मीठे बोल। हर तरफ खूबसूरती बिखरी हुई थी, लेकिन पहली बार ऐसा हो रहा था हमारी आंखें इन नजर सोज नजारों के बजाय मंजिल की ओर थी। अब दावा ही हमने ऐसा सुना था, दावे की हकीकत जानने के लिए हमने अपना सफर शुरू किया बद्रीनाथ से। नमस्कार, मेरा नाम सुहेल है और पहाड़ों की इन वादियों को देखकर आप समझ गए होंगे कि मैं इस वक्त उत्तराखंड में हूं। लेकिन मैं स्पेसिफिकली बता देता हूं कि मैं कहां पर हूं। मैं इस वक्त मौजूद हूं बद्रीनाथ धाम में और यहां से मेरा एक बहुत अच्छा प्लान है आगे का। मुझे जाना है अमरनाथ गुफा में बाबा बर्फानी के पास। अब आप कहेंगे कि ये क्या बेवकूफ़ी है भाई, बद्रीनाथ धाम है उत्तराखंड में और आप बात कर रहे हैं अमरनाथ की, मतलब जम्मू कश्मीर की, ये क्या बात हुई। यहाँ से करीबन 100 किलोमीटर दूर इंडो तिब्बत बॉर्डर के पास एक गुफा है जिसमें बाबा बर्फानी का एक शिवलिंग है, प्राकृतिक शिवलिंग जो अपने आप बनता है और अपने आप ख़त्म हो जाता है, लेकिन इसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं क्योंकि वहाँ तक पहुँचना इम्पॉसिबल है और दूसरा वहाँ पहुँचने के लिए आर्मी से परमिशन लेनी पड़ती है। तो आइए चलते हैं और तलाशते हैं कि बाबा बर्फानी की उत्तराखंड में जो गुफा है वो कहाँ है। हमारी मंजिल थी भारत तिब्बत सीमा पर बसा आबादी वाला आखिरी गांव नीति, जिस गुफा में अमरनाथ की तरह बर्फानी बाबा के होने का दावा किया जा रहा था। वो प्राचीन गुफा नीति गांव से चंद किलोमीटर की ऊंचाई पर थी। हमने सोचा था कि नीति गांव के लोगों से हम गुफा की हकीकत पूछेंगे, फिर उन्हीं को साथ लेकर गुफा की तलाश में निकलेंगे। एक तो उन्हें गुफा का रास्ता पता होगा, दूसरा वो हमें बर्फीले रास्ते में किसी हादसे से बचाएंगे। लेकिन हम इस सफर को जितना आसान समझ रहे थे वो उतना था नहीं। पहाड़ों के इन गोल घुमावदार रास्तों में, इन खूबसूरत वादियों में होता यह है कि आप सेंस ऑफ टाइम जो है, जो वक्त का अंदाज़ा है, वो आपको नहीं रहता। और हम जोशीमठ से चले थे, अंदाज़ा ये था कि हम दोपहर होने से पहले अपनी मंजिल तक पहुंच जाएंगे। 80 किलोमीटर का फासला था, लेकिन अभी वक्त बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। और प्रॉब्लम ये है कि इतना डेजोलेट जगह है, इतनी ख़तरनाक जगह है कि एक बार आप पहुँच गए उसके बाद बहुत मुश्किल है कि शाम के बाद आप कुछ भी कर सकें, क्योंकि बर्फ़ है, चारों तरफ पहाड़ हैं, अंधेरा है, कोई रास्ता नहीं है। और ऐसे में अब मुश्किल लगता है कि आप वहाँ से आज वापस आ पाएंगे। तो रात में किस तरह से वहाँ ठहरना होगा मुझे नहीं पता, लेकिन पहली कोशिश ये है कि कम से कम रोशनी रहते हम वहाँ तक पहुँच जाएं। क्या अमरनाथ की तरह वाकई उत्तराखंड की उस गुफा में बाबा बर्फानी का स्थान है? कहते हैं गुफा बेहद गुप्त स्थान पर है, इसीलिए किसी को नहीं दिखती। तो क्या हम उस गुफा को तलाश पाएंगे? और गुफा मिल भी गई तो वहां बर्फ के शिवलिंग दिखेंगे या नहीं? दिमाग सैकड़ों आशंकाओं और सवालों में उलझा हुआ था। तभी एक नई मुसीबत ने गाड़ी के साथ साथ इन सारे सवालों पर भी ब्रेक लगा दिया। बहुत मुश्किल है, रोको 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 रोको। देखिए, नीति गांव जो है वो आखिरी हॉस्पिटेबल विलेज है, मतलब एक आखिरी गांव है जहां पर आबादी है, सिविलियन पॉपुलेशन बहुत थोड़ी सी रहती है, इसलिए सिविलियन मूवमेंट बहुत कम होता है और रोड जो है वो ना के बराबर है। अब यहां पर भी रास्ता बिल्कुल बंद है, उसे खोलने की कोशिश की जा रही है, लेकिन मैं सोच रहा था कि मैं दिन में पहुँच जाऊँ और वहाँ से वापस निकल जाऊँ, लेकिन अब मुझे नहीं लगता कि मैं वहाँ पर पहुँच सकूँगा क्योंकि रास्ता बिल्कुल बंद है और उस रास्ते को खोलने की कोशिश की जा रही है। अब हमारी तरफ से तो पूरी तैयारी थी, लेकिन अब इसका क्या कर सकते हैं, मतलब पहाड़ों में ये तो एक पॉसिबिलिटी होती है कि आप कहीं पे भी मूव करें,
आपको दिक्कत होगी ही। अब इस दिक्कत के लिए मैं गाड़ी जो है वो भी यहाँ पर फंस गई है। आप पैदल तो जा नहीं सकते, अभी तो कई किलोमीटर का रास्ता बाकी है, फिर बर्फ़ भी हो सकती है, तो पैदल कोई रास्ता नहीं है मेरे पास सिवाय इसके कि इंतज़ार किया जाए कि रोड थोड़ा सा बने और इतना बन जाए कि कम से कम आप यहाँ से क्रॉस कर सकें। तब तक इंतज़ार ही कर सकते हैं, बट दैट इज़ इट। जेसीबी ने मिट्टी के टीले समतल कर दिए तो हमने फिर से कोशिश की। चलो आओ। देखिए करीबन आधा एक घंटा लग गया यहाँ पर सड़क, लेकिन अभी भी मुझे अंदाजा नहीं है कि गाड़ी निकलेगी या नहीं निकलेगी। शीशा डाउन कर और बहुत तेजी से उठा, तेजी से चल 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 चल। जिसका डर था वही हुआ, गाड़ी अटक गई। God. हाँ बहुत तेजी से लेकर आओ, मोड़ो मत, तेज 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 रफ्तार के साथ, तभी निकल पाएगी। टॉर्क बना के ला गाड़ी का, चल गई 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 गई। आह फाइनली हो गया। थैंक्स यार भाई, बहुत बहुत धन्यवाद तुम्हारा। ये सब तो रास्ते में होता ही रहता है। चलो मुसीबत खत्म हुई, हमें लगा गाड़ी की रफ्तार बढ़ाकर चंद घंटों में नीति गांव पहुंच जाएंगे और फिर वहां से गुफा की तलाश में निकलेंगे, लेकिन हमें अंदाजा नहीं था कि मुसीबतें तो अभी आनी शुरू हुई थी। होता क्या है कि बर्फ पिघलती है और बर्फ पिघलने की वजह से पानी बन जाता है और ये दलदल सी बन गई है। अब इसमें ट्रैक्शन नहीं लेता टायर, तो बिल्कुल मतलब पहिया घूम रहा है दलदल में, गाड़ी आगे नहीं जा रही है। अब हमको मतलब क्या कर सकते हैं, अब ऐसे हालात में आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। ओह गॉड, उम्मीद थी कि निकल जाएगा, लेकिन कहीं पे भी आप देखिए किस कदर दलदल है, बहुत ज्यादा। मदद कर रहे हैं किसी तरह से कि गाड़ी निकल जाए। हमने फिर कोशिश की लेकिन कीचड़ बहुत गहरा था। चलो एक आखिरी कोशिश और करो, पत्थर के ऊपर से। बस बढ़िया, वाला टायर फंस गया, वाला उतरो। पत्थर पे, पत्थर पे उठाओ, पत्थर पे उठाओ। जल्दी थी कि मैं पहुंच जाऊं और आपको वो उत्तराखंड का अमरनाथ दिखा सकूं, बट रास्ता उतना ही ज़्यादा मुश्किल होता जा रहा है। मतलब उम्मीद थी कि गाड़ी काफ़ी दूर तक जाएगी, लेकिन अब लग रहा है कि बहुत पहले गाड़ी छोड़ देनी पड़ेगी। और यहाँ मैं उतरूँ भी कहाँ, देख रहा कितनी मिट्टी है, कितनी दलदल है, मतलब मेरा पूरा सब कुछ ख़राब हो जाएगा। ओह फाइनली यस। आखिरकार हमारी मेहनत सफल रही। अब हमें ये लगने लगा था कि जब सड़क पर इतनी मुश्किलें मिल रही हैं, तो बर्फीले रास्ते में हमारे साथ क्या हो। मुश्किलें और खतरा दोनों बहुत बड़ा था। ओ गॉड, क्या हो, बर्फ गिर रही है। लेकिन हम ये भी जानते थे कि अगर हजारों साल पुरानी वो गुफा मिल गई तो आज आप टीवी पर पहली बार उत्तराखंड के बाबा बर्फानी को देख पाएंगे। बढ़ता हौसला उम्मीद का सहारा बन चुका था। हम गाड़ी की रफ्तार बढ़ाते उससे पहले एक पारंपरिक धुन ने हमारा रास्ता रोक लिया। उत्तराखंड की संस्कृति देखने क्या रुके, जैसे हमारी किस्मत ही खुल गई। पूछा तो पता चला ये नीति गांव के लोग थे, इन्हें ही तो हम तलाश रहे थे।
नीति गांव काफी ऊंचाई पर बसा है। वहां ठंड में पारा शून्य से कई डिग्री नीचे चला जाता है, जिसकी वजह से ये लोग गांव छोड़कर तलहटी में आ गए थे। अब सारे सवालों का ठोस जवाब मिलने वाला था। जो फोन पर सुना था, क्या वो वाकई सच था? जिस तरह से कश्मीर का अमरनाथ है, उसी तरह उत्तराखंड में भी यह त्रिम्बकेश्वर संस्कृत शब्द से बिगड़ा हुआ रूप त्रिम्बरसेन है, और इस ये शिव का एकमात्र धाम है जहाँ पे सर्दियों में फरवरी मार्च अप्रैल तक बर्फ के लिंग, कई एक लिंग नहीं कई लिंग रहे। यहाँ पे बताते हैं कि पुराने जो बताते हैं बुजुर्ग लोग बताते हैं कि यहाँ पे भोलेनाथ अपने सपरिवार के सहित हैं, मतलब भोलेनाथ हैं, पार्वती जी हैं, गणेश जी हैं, कार्तिक जी सब परिवार के साथ विराजमान हैं, और कैलाश मानसरोवर से बहुत नज़दीक का ये भोलेनाथ का स्थान है। जैसे तुम अमरनाथ नहीं, वो हमारे टेमर सेन है। शिवलिंग वहाँ पे बर्फ का बना हुआ है? हाँ, बर्फ बनी। बर्फ कितनी रहती है? बर्फ बहुत रोन बर्फ, मुश्किल से पैदल सीट के जाने की, वहाँ बहुत परेशान से जाने में। बातों में शिव की महिमा और आंखों में शिव भक्ति की चमक, सबने कहा हाँ, गुफा में शिव विराजमान है। शिव वहां बर्फानी रूप धारण करके भक्तों को दर्शन देते हैं। जैसे जम्मू कश्मीर में, जम्मू में अमरनाथ है, वैसे हमारे यहाँ उत्तराखंड में टेमरसेन महादेव है। मैं टेमरसेन में तो बहुत बड़ा शिवलिंग है, अपना भी बनता शिवलिंग बर्फ के वो पानी से टपक के, और अपना भी गर्मी में वो पिघल जाते हैं, किसी को बनाने की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं। उत्तराखंड में सबसे बड़ा शिवलिंग है वहाँ। पुराने जमाने से बोलते हैं कि वहाँ पे जो चारों परिवार के साथ है भोलेनाथ, तो वो जो गंगा जी जल मतलब जो है वो हमेशा शिव जी और उनके पार उनके जलाभिषेक कंटिन्यूस, वो तो 12 महीने मिलेगा आपको, चाहे वो आप जब बर्फ शिवलिंग नहीं भी बना हो तभी वो मतलब जलाभिषेक होता रहता है, और नहीं तो बर्फ का तो शिवलिंग बना ही रहता उस समय। हमने सोचा कि इलाके का हर शख्स तो झूठ नहीं बोलेगा, वैसे भी सब उन शिवलिंगों को अपनी आंखों से देखने का दावा कर रहे थे, यानी ये कोई सुनी सुनाई बात नहीं थी। अब ये लगने लगा था कि प्राचीन काल से गुफा में बर्फ के शिवलिंग प्राकृतिक तौर पर बनते हैं, बिल्कुल अमरनाथ की तरह। लेकिन सवाल ये था कि अगर वाकई ऐसा है तो अमरनाथ की तरह टिम्बरसेन का जिक्र पुराणों में क्यों नहीं मिलता? अब इसका जवाब तो वही दे सकता था जिसने धर्म को करीब से पढ़ा, समझा और जाना हो। ये जो शिवलिंग है, पुराणों में तो विशेष उल्लेख उनका नहीं मिला है, लेकिन परंपरा चली आ रही है, और हम लोग ये मानते हैं कि कुछ अंश कभी भ्रष्ट हो जाते हैं ग्रंथों के, तो हो सकता है कि पुराणों में उनका कहीं उल्लेख रहा हो। फिलहाल ऐसा उल्लेख पुराणों में तो नहीं मिलता है, लेकिन परंपरा ये कहती है कि ये पौराणिक हैं, और उसी रूप में उनकी आराधना उपासना इस समय हो रही है। टिम्बरसेन के बारे में प्राचीन काल से दो कहानियां प्रचलित हैं। पहली ये कि कैलाश जाते वक्त शिव अपने परिवार के साथ टिम्बरसेन में रुके थे, और दूसरी कहानी सीधे अमरनाथ से जुड़ी है, जिसकी वजह से उत्तराखंड के टिम्बरसेन को अमरनाथ से जोड़कर देखा जाता है। एक बार पार्वती जी और भगवान शिव बैठ करके संवाद कर रहे थे, तो संवाद करते हुए माता पार्वती ने देखा कि भगवान शिव के गले में मुंड माला है, तो उनके मन में जिज्ञासा उत्पन्न हुई कि प्रभु, ये आपके गले में मुंडमाला किसकी है? बार बार पूछने पर भगवान शिव ने बताया कि पार्वती, ये तुम्हारी मुंडमाला है, और शिव और शक्ति का सदा संयोग है, बिना तुम्हारे हम रह नहीं सकते हैं। तो जितने बार तुम शरीर धारण करती हो, शरीर धारण करने के बाद एक समय आता है कि शरीर पूरा हो जाता है, पूरा होने के बाद संस्कार करने के बाद जो तुम्हारा मुंडमाल है उसको हम अपने गले में धारण कर लेते हैं। मैं बार बार मर जाती हूँ और आप कभी मरते ही नहीं हैं। तो भगवान शिव ने बताया कि ऐसा है कि अमर कथा जानने के कारण मेरी मृत्यु नहीं होती है,
तो भगवती ने कहा कि वो अमर कथा आप हमको भी सुनाइए। तो भगवती के अनुरोध पे भगवान शिव ऐसे गुप्त स्थान पर उनको लेके गए जहाँ पर भगवती पार्वती और भगवान शिव दोनों ही रहे, और भगवान शिव ने भगवती पार्वती को अमर कथा सुनाना आरंभ किया। अमर कथा जिस समय वो सुना रहे थे, उसी समय जिस पेड़ के नीचे बैठे थे दोनों, उसी पेड़ के ऊपर एक अंड में एक शुक था। भगवती पार्वती तो थोड़ी देर बाद निद्रा के वशीभूत होकर के सो गईं। जब कथा पूरी हुई तो भगवान शिव ने पूछा कि तुमने सुन ली पूरी कथा? फिर उन्होंने बताया कि नहीं, मैं तो सो गई थी। तब भगवान ने देखा कि कोई होंकारी तो भर रहा था, वो कौन था? तब तक वो शुक दौड़ के वहाँ से भागा, और वो शुक भागते 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 ये जो टिम्बरसेन वाला स्थान है भगवान जी का, उसी स्थान पर आया। शिव भी उस शुक का पीछा करते करते वहाँ आए। वहाँ पर शुक ने भगवान की स्तुति की, भगवान की प्रार्थना की। ये भी कहा जाता है कि जो महत्व अमरनाथ में शिव दर्शन का है, वही टिम्बरसेन का भी है। जैसे अमरनाथ यात्रा करने के लिए जाते हैं, वैसे टिम्बरसेन भी अमरनाथ जैसा ही स्वरूप है। भगवान शिव विविध स्वरूप में वहाँ पर विराजमान होते हैं, और ऐसा अद्भुत है प्रकृति वहाँ का कि ऊपर का अलग वातावरण है, पर्वत के अंदर का अलग वातावरण है। तो जब तक दिव्य शक्ति ना हो, भगवान शिव ऐसा मानो जब आप उस स्थान पर पहुँचेंगे तो ऐसा लगेगा कि हम जैसे भगवान शिव के समीप पहुँच गए, भगवान शिव के गोद में पहुँच गए, भगवान शिव की ममता में, भगवान शिव की छाया में पहुँच गए हैं। पार्वती जी को इस आत्मज्ञान, इस अमर कथा का बोध कराया भगवान शिव ने कि जन्म ही नहीं है, जन्म से इतर हो। तो वो अमर कथा भगवान अमरनाथ में सुनाते हैं, और भगवान टिम्बरनाथ में भी सुनाते हैं। आप अमरनाथ यदि नहीं जा पाते हो कश्मीर के अमरनाथ में, तो आप उत्तराखंड के टिम्बरसेन में आकर के भगवान अमरनाथ जी के दर्शन करो, भगवान टिम्बरसेन के दर्शन करो, बर्फानी महादेव के दर्शन करो। हर दावे के साथ टिम्बरसेन की गुफा को तलाशने और शिवलिंगों को देखने की उत्सुकता बढ़ती जा रही है। हमने गुफा की ओर अंतिम सफर की तैयारी शुरू की, तभी एक शख्स ने चेतावनी दी। उसने कहा, वहां हमें मुसीबतें और खतरा दोनों साथ मिलेंगे। सर, तो सबसे पहले तो हाई अल्टीट्यूड पे है, ऑक्सीजन की कमी होती है, तो उसके लिए यदि कोई बद्रीनाथ आए हैं, जो अभी आप यात्रा खुन केदारनाथ भोलेनाथ के हैं, तो कोई मेरा एक ही कहने के हाई अल्टीट्यूड पे आने से पहले आप अपने आप को एक्लिमेटाइज करें। एक्लिमेटाइज ऐसे करें कि जैसे मतलब केदारनाथ बद्रीनाथ आना है तो कम से कम एक महीने पहले सुबह चलने का ज़्यादा वो मनाए, चाहे वो देहरादून दिल्ली कहीं से आ रहा है, बॉम्बे से आ रहा है, जो भी श्रद्धालु भक्त है वो अपना चलना शुरू करे। तो एक एक्लिमेटाइज करें, सुबह ठंडक हो एकदम ना है कि वो एसी में है और सीधा वहाँ पहुँच जाए तो उसको बीच में खतरे होते, हमारे स्वास्थ्य विभाग में तो इसलिए पता यहाँ पर होते हैं। सब सुना, सब समझा, लेकिन अब तैयारी का वक्त हमारे पास नहीं था और लौटना हम चाहते नहीं थे। चलिए अब जो भी होगा देखा जाएगा, बस एक बार नीति गांव पहुंच जाएं, वहां तो मदद मिल ही जाएगी। आखिरकार हम नीति गांव पहुंच ही गए। अब यहां से हमारी मंजिल दूर नहीं थी, लेकिन गांव में कदम रखते ही सारी उम्मीद, सारी खुशी एक झटके में खत्म हो गई। नीति आने से पहले मेरा प्लान बिल्कुल सेट था। मैंने सोचा था यहां पर आऊंगा, रुकूंगा, गांव वालों के साथ खाऊंगा पीऊंगा और वो मुझे ले जाएंगे टिम्बरसेन महादेव तक। लेकिन यहाँ आने के बाद पता चला कि यहाँ कोई भी नहीं है। असल में 8 महीने गांव वाले नीचे चले जाते हैं और अभी तक कोई लौट के आया नहीं है। अब प्रॉब्लम यह है कि फ़ोन जो है ना, इस वक्त सिर्फ एक कैमरा बना हुआ है क्योंकि इसमें कोई सिग्नल नहीं है, और ये भी नहीं पता कि अब किस तरह से लोगों से कॉन्टैक्ट किया जाए। प्रॉब्लम सबसे बड़ी है कि शाम हो रही है और शाम जैसे जैसे गहराएगी हमें रुकने के लिए एक ठिकाना ढूंढना पड़ेगा। अब किसी के घर में तो नहीं घुस सकते कि ताला तोड़ने एथिकली गलत है, और टेंट लगाने की कोई सही जगह मुझे अभी तक नज़र आई नहीं है। तो सबसे पहले वही करना है कि अब अपने लिए कोई जगह आइडेंटिफाई करनी है, और फिर ये सोचना है कि अब आगे जाना है तो कैसे जाएंगे। रात में यहाँ पारा 0 से नीचे जा सकता था। हमने गांव में रुकने की जगह तलाशनी शुरू की। पुजारी, ऊपर आओ। पर ये जगह मतलब ये प्लेन है काफी, ये थोड़ा सा यहाँ पर ये आइस है। हाँ, इसको हम हटा देंगे, मेरे ख्याल से उतनी हार्ड है नहीं है। हाँ, नहीं है। इसको हटा देते हैं तो यहाँ टेंट ही नहीं लगा सकते, ये जगह सही है। हाँ, ये जगह ठीक है, फ्लैट है बिल्कुल।
और पूरा गांव भी हमको थोड़ा सा दिख जा रहा है इससे। हाँ। तो क्या कहते हो, यहीं लगा लें टेंट, क्योंकि फिर अब शाम हो जाएगी तो दिक्कत होने लगेगी, क्या कहते हैं? यहाँ टेंट लगाने से कोई फायदा नहीं है। क्यों? क्योंकि एक तो गांव सुनसान है, गांव में कोई रहता नहीं है। हाँ, और यहाँ जंगली जानवर बहुत घूमते हैं। यहाँ पर जंगली जानवर आ गया तो कहाँ भागेंगे हम? जंगल में होगा कि स्पेस होगा, चलो भाग लेंगे। अगर यहाँ पर आ गया तो छोटी सी जगह पर तो टेंट में नहीं इधर जा पाएंगे नहीं इधर जा पाएंगे। हाँ, ये बात मुश्किल है, छोटी छोटी गलियां हैं गांव में। हाँ, ये बात तो सही है। आप बताओ क्या करना है, आगे की तरफ चलते हैं? भाई तुम पहाड़ी हो, तुम ज्यादा जानते हो, अगर तुम्हें लग रहा है कि नहीं यहाँ नहीं तो फिर चलते हैं आगे। हाँ, फिर निकलो ऊपर शाम से पहले, क्योंकि देर हो जाए, फायदा क्या? चलो चलो सर। हाँ, कैमरा हाँ बंद बंद करो। गाँव में रुकना सुरक्षित नहीं था, इसलिए हमने गाँव के बाहर एक सतही जगह तलाशी और वहां टेंट लगाया। फिर ठंड से बचने के लिए अलाव भी जलाया, थोड़ी देर आग सेकी और फिर सोने चले गए। हमें लगा था हम बर्फ और खाई से घिरे रास्तों को पार कर आए, बर्फ में चलने की तैयारी हम करके आए थे, अब किसी न किसी तरह गुफा तक पहुंच ही जाएंगे। लेकिन हमें क्या पता था, अब तक हमने खतरे की सिर्फ परछाई देखी थी, खतरा तो मौत बनकर आगे हमारा इंतजार कर रहा था। क्या हो, बर्फ गिर रही है।